पूरा विश्व इस समय कोरोना जैसे जानलेवा संक्रमण से जूझ रहा है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री और सूबे के मुखिया इस महामारी से बचाव के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद ही प्रधानमंत्री की अपील की धज्जियां उड़ाते नज़र आ रहे हैं। सांसद महोदय को ना तो लॉकडाउन की परवाह है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की। जी हाँ, तस्वीरों में जो आपको सफ़ेद खादी पहने जनाब नज़र आ रहे हैं, दरअसल यह लखीमपुर खीरी से बीजेपी के सांसद अजय मिश्र उर्फ टैनी हैं। सांसद जी ने पहले तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, उसके बाद लाओ लश्कर के साथ निकल पड़े गरीबों में राशन बांटने, लेकिन सांसद महोदय और उनके साथ कार्यकर्ताओं की भीड़ शायद ये भूल गई कि उचित दूरी बनाए रखना भी ज़रूरी है। राशन लेने वाले ज़रूरतमंदों से ज़्यादा वहाँ मौजूद कार्यकर्ता दिख रहे हैं, जो बांटने वाले राशन के साथ फ़ोटो खींचते दिखाई पड़ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सरकार का जन प्रतिनिधि जब इस तरह की लापरवाही करेगा तो आम जनता से आप क्या उम्मीद करेंगे? संसद जी, आप आज पलिया आए हुए हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की है, क्या उद्देश्य था और क्या आपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं, थोड़ी सी जानकारी दें। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हम सब लोगों ने जैसे ही कोरोना वायरस का संकट पूरी दुनिया के सामने आया, भारत के रूप में एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि 130 करोड़ लोगों का देश था और ऐसे में लखीमपुर जनपद में भी इसका प्रभाव पड़ा। हमारे जिले के बहुत सारे लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे थे, उनका आना यहाँ हुआ। कुछ जमात के लोग थे, तीन लोग, वो यहाँ पॉजिटिव आए। एक हमारे नागरिक जो विदेश से आए थे वो पॉजिटिव हुए। ऐसी एक बड़ी चुनौती थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी सक्रिय भूमिका को किया और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनकी मदद के लिए खड़े हुए और उसी के प्रयासों से आज हम ऐसी स्थिति में खड़े हुए कि लखीमपुर जनपद कोरोना से मुक्त हो गया। हमारे यहाँ आज ना कोई क्वारंटीन है, ना आइसोलेट है और ना कोई पॉजिटिव कोरोना वायरस का मरीज है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए 3 मई के लॉकडाउन तक, तो उसमें मैंने उनसे सबसे बात की, उनका धन्यवाद भी किया जो उन्होंने इस समय काम किया और उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी कहा कि इस 3 मई के दौरान इस लॉकडाउन का पूर्णतया पालन हो, संयमित तरीके से लोगों को मदद पहुंचाएं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी मदद भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ कहीं ज़रूरत हो तो आप हमसे भी संपर्क करें। किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका जाना आवश्यक हो उसके जाने की भी व्यवस्था हो, अनावश्यक कोई घर से ना निकले और निकले भी तो मास्क का प्रयोग करें, साथ ही साथ सफाई वगैरह पर विशेष ध्यान दें क्योंकि एक जरा सी चूक हम लोगों को फिर से उसमें भेज सकती है। तो मैं यही आज सभी लोगों से बैठ करके यही चर्चा किया हूँ कि लखीमपुर जनपद जिस स्थिति में आ गया है, ये स्थिति बहाल रहे, बनी रहे, इसके लिए हम सब धन्यवाद।